तेजस्वी यादव को अपने सरकारी आवास में कोविड सेंटर बनाना अब लगता है कि महंगा पड़ने वाला है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये बातें कही थी कि मैं अपने सरकारी आवास को कोविड सेंटर बना रहा हूं और उसमें सारी व्यवस्थाएं। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया था जिस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर ये बातें दिखाई थी कि उसमें बेड लगे हुए हैं और अस्पताल की तरह सारी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। इसके साथ तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि यदि सरकार हमें आदेश दे तो हम इसमें और भी जो व्यवस्थाएं हैं वो कर सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के अब हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के तरफ से बयान आ गया है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि ये बंगला सरकार ने उन्हें रहने के लिए दिया है। सरकार के पास सारे संसाधन हैं और सरकार अपने स्तर से व्यवस्थाएँ कर रही हैं। सरकारी आवास पर जिस तरह से वो नया नया ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा बंद करें। चारा रखने के लिए उन्हें नहीं दिया गया। बात इतने पर नहीं रुकी, इसके बाद तो दानिश रिजवान ने बातचीत के दौरान और भी कई बातें कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी बहन मीशा भारती जो पीएमसीएच की टॉपर हैं वो क्या कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए था कि आकर के लोगों की सेवा करें। इन सब बातों को लेकर के जो दानिश रिजवान ने कहा वो बातें काफ़ी तल्ख हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है दानिश रिजवान ने। तेजस्वी यादव ने भी कोविड सेंटर स्टार्ट किया है, क्या आपकी सरकार उनके कोविड सेंटर के लिए जो जरूरी चीजें हैं या उनको परमिशन देगी? देखिए, इसमें दो तीन तरह की बातें हैं जी। एक तो अगर आपको सरकारी आवास रहने के लिए मिला है और आप उसमें किसी चीज का चारा का गोदाम बना दे तो निसंदेह वैसे आवास को मेरे ख्याल से सीज कर लेना चाहिए। अगर हमें मिला सरकार चलाने के लिए और हम चारा खाने लगे तो जनता ने सरकार छीन लिया। अब इनको आवास मिला रहने के लिए तब वो कह रहे हैं हम उस पर अस्पताल बनाएंगे। अस्पताल बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चार पांच बेड लगा दिया तो वो कोविड सेंटर नहीं होता है। ये मीडिया का आई वॉश किया जा रहा है। अगर तेजस्वी यादव जी या लालू परिवार को ये लगता है कि उन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए तो मेरा आग्रह है कि सबसे पहले मीसा भारती जी पीएमसीएच की टॉपर है जी, मीसा भारती जी को कहें कि जनता की सेवा करे। इस बुरे काल में एमबीबीएस की डिग्री रखकर क्या करेंगी वो जी। पकौड़ा तलने के लिए तो एमबीबीएस की डिग्री मिली नहीं है, जनता की सेवा करने के लिए मिला हुआ है और ये एमबीबीएस के टॉपर रही हैं पीएमसीएच की जी। तो ऐसे लोगों को तो जनता के बीच में पहले आना चाहिए और जाकर के जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये लापता है, दिल्ली में पता नहीं कहां छुपी हुई है। तो मेरा आग्रह है कि कोविड सेंटर शुरू करने से पहले नेता प्रतिपक्ष पहले अपने परिवार के चिकित्सकों को कहें कि घर से बाहर निकले और जाकर के आम जनता की जो जवाबदेही है जी उसको पूरा करें, ना कि मीडिया में हवाबाजी करें और चीचा टीटा करते रहें जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद बाबा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।